स्थितियों में मैंने कुर्ती में जीप लगाने का बहुत आसान तरीका बताया है और जीप लगाए हुए कुर्ती में कुशलता से गला जोड़ना भी बताया है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही आसानी से बताई है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो कुर्ती का ये बैक पैटर्न है, ये इसकी वेस्ट लाइन है और ये इसकी हिप लाइन। तो जब हम जीप लगाते हैं तो हिप लाइन के ऊपर 2 से 3 इंच रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच ऊपर मार्क किया। अब यहाँ पर हमारा गला आएगा, तो आप तय कीजिएगा आपको गला कितना रखना है। जैसे मैं 8.5 से 9 इंच के बीच में रखू, तो मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क किया। अब मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर की पट्टी कट करके ली है, तो इस निशान के नीचे 1 इंच मेरी पट्टी रहेगी और ऊपर का जो गले का निशान है उसके ऊपर 2 इंच रहेगी। तो उसी हिसाब से फ्यूजिंग पेपर की पट्टी तय करनी है। तो लगभग मेरी आई है 14 इंच, तो आपकी कम ज्यादा आ सकती है। हाँ, इसकी चौड़ाई आपको कंपलसरी 2.5 इंच रखनी है। अब इस पट्टी को मैं साइड में लूंगी और इसे मैं बीच में फोल्ड करूंगी। तो इसका चमकीला हिस्सा आपको नीचे रखना है, मतलब जो चिपकने वाला हिस्सा है, एकदम बराबर से बीच में फोल्ड करके एक सेंटर लाइन मैंने यहाँ पर बना दी। अब उसी लाइन के ऊपर हम एक लाइन बना देंगे। अब ये जो सेंटर लाइन है, तो ये ऊपर नीचे से ऊपर 1 इंच रहेगी और उसके ऊपर मैंने फिर से 2 इंच पर एक मार्क किया है और यहां पर मैंने तिरछी लाइन बनाई। इस साइड में भी मैं तिरछी लाइन खींच दूंगी। अब यहां से यहां इसे मैं जोड़ दूंगी। अब मैं उसी लाइन को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए सीधी लाइन बनाऊंगी, सेम दूसरी साइड में। अब ये लाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्लोज लिया है ताकि इसकी मैं चौड़ाई आपको दिखा सकूं। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 1/2 इंच से कम होनी चाहिए। तो आप क्लियर यहाँ पर देख सकते हो, 1/2 इंच को एक पॉइंट मेरा कम है, तो इतनी चौड़ाई हमें रखनी है। अब इस पट्टी को मैं इस कपड़े के पट्टी के ऊपर रखूंगी और इसे हम आयन करके लेंगे, जो कि इसका चिपकने वाला हिस्सा नीचे की तरफ था तो वह अच्छे से चिपक गया है। अब जो साइड से कपड़ा है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आपको कपड़ा लेते वक्त जो फ्यूजिंग पेपर की पट्टी है उससे साइड से थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही रखना है। अब देखो, यहाँ पर कुर्ती का ये जो नीचे का पॉइंट है उसे मैंने सीधी साइड में मार्क कर दिया है, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। अब इस पट्टी को हम यहाँ इसी निशान के ऊपर रख देंगे, एकदम बराबर से उसी निशान के ऊपर आनी चाहिए और ऊपर की तरफ भी जो सेंटर लाइन को पकड़ते हुए हमें इसे बराबर से सेंटर में रखना है। एक बार आप इसे अच्छे से सेट करें तो उसके लिए आप यहाँ पर पिंस लगा कर ले। एक बार इसके ऊपर पिंस लग जाए तो हमें सिलाई लगाने में आसानी होती है। अब हम यहाँ पर देखो, यहां से सिलाई को शुरू करेंगे इस लाइन से और फिर उस साइड की जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो देखिए, यहां पर इस वाले लाइन से मैंने शुरू किया है ऊपर की ओर से, ऊपर से नीचे जाएंगे, एकदम बराबर से उसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब नीचे जब आते हैं तो सुई को अंदर की तरफ ही रखना है, बस कपड़े को घुमाते हुए फिर से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इसी प्रकार हमने यहां पर सिलाई लगा दी। अब देखो, सिलाई लगने के बाद पट्टी कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हमें यहाँ पर एकदम सेंटर से कट लगाना है। तो ये जो कट है, ये जो यहाँ पर सेंटर लाइन आपको दिख रही है उसी सेंटर लाइन के ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एकदम नीचे तक हमें कट को लेके जाना है, लेकिन हाँ, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कट हमने लगा दिया, अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ पलटेंगे, ठीक। लेकिन इसको पलटना कैसे है, तो देखिए, सबसे पहले ये जो सिलाई मार्जिन है इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे, अच्छे से मोड़ के थोड़ा सा नाखून से प्रेस करेंगे। इससे हमें पट्टी पलटने में बहुत मदद होती है। अब इस पट्टी को हम उल्टी साइड में, मतलब अंदर की साइड में मोड़ देंगे। तो बस सिंपली हमें इसको इस तरह से डालना है और यहां से फोल्ड करके लेना है।
तो पट्टी को मैंने अंदर की साइड में मोड़ दिया है। अब ये हमारी ऊपर की तरफ सीधी साइड है, तो यहाँ पर हम पहले आयन करके लेंगे। अच्छे से आयन करके लेना है, कोई सिलवट वगैरह नहीं होनी चाहिए। आयन करने के बाद अब मैं इसको उल्टी साइड में लूंगी, तो उल्टी साइड से ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए यहां से ये फोल्ड भी मैंने आयन किया है ताकि हमें आसानी हो। अब हम लेंगे जिप, तो इसे इनविजिबल जिप कहते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होगी। अब इस जिप की ये सीधी साइड है, ठीक, और ये उल्टी साइड है, तो हमें इसे ऐसे ही रखना है, मतलब उल्टी साइड ऊपर की तरफ रहेगी, और इसे ऐसे लगाएंगे और नीचे की तरफ इसे मैं पिन लगा कर लूंगी। पिन से सेट हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई कैसे लगानी है, जिप को हमें इस किनारे से चिपकते हुए रखना है और जिप के इस किनारे से सिलाई लगानी है। तो इस जिप के बस दोनों किनारों से हमें सिलाई लगानी है, ठीक। अब हम लेके जाते हैं इसको मशीन के ऊपर। अब देखो पट्टी को बस पकड़ना है और इस तरह से इसको रख देना है ताकि हम सिर्फ पट्टी और जिप के ऊपर सिलाई लगा सकें। कुर्ती का पैटर्न बीच में नहीं आना चाहिए। तो इसे मैंने अच्छे से रख दिया और इस किनारे से हमें सिलाई लगानी है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल फुट ही मैंने रखा है और नॉर्मल फुट से ही हम बस साइड से सिलाई लगाने वाले हैं। जो हम ये साइड से सिलाई लगाते हैं इससे जिप की जो मेन सिलाई है वो लगाने में आसानी होती है, तो इसीलिए साइड से सिलाई लगा कर लेंगे। अब सिलाई मैंने लगा दी है और इसको घुमाते हुए नीचे की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अब इस साइड की पट्टी को भी मैंने साइड में उठा दिया, मतलब कुर्ती का पैटर्न बीच में नहीं आना चाहिए, बस पट्टी को मैंने साइड में कर दिया है और उसके ऊपर इस तरह से जिप को रखेंगे। एकदम जिप को रखते टाइम किनारे पे रखना है और फिर साइड से सिलाई लगानी। तो ये पूरी सिलाई लगने के बाद मैं आपको पास से दिखाऊंगी। अब देखो जिप हमारी लग चुकी है। अब ये कैसे लगी है ये मैं आपको क्लोज व्यू से दिखा दूंगी। तो कुर्ती की उल्टी साइड मैंने इस और कर दी है और ये देखिए इस तरह से ये हमारी जिप अटैच हुई है। अब देखो इसके अंदर की साइड से अभी सिलाई लगना बाकी है, हमने इसके किनारे से सिलाई लगाई है। अब इसके अंदर से मतलब यहां से सिलाई लगी। अब चिपक के सिलाई लगाने के लिए मैंने लिया है ये सिंगल फुट। अब जो सिंगल फुट है उसकी चिपक के सिलाई आएगी, और अगर नॉर्मल फुट से हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, मतलब एकदम चिपक के सिलाई नहीं आएगी। इसलिए हम सिंगल फुट का इस्तेमाल करते हैं ताकि सिलाई जो है वो एकदम चिपक के आए। तो यहाँ पर मैं सिंगल फुट मशीन में लगा रही हूँ, या आपके नॉर्मल मशीन में भी लगता है और किसी भी टेलरिंग मटेरियल शॉप में आपको ये मिल जाएगा। अब देखो पट्टी को मैंने एक साइड में ले लिया ताकि हमारी सिलाई से पट्टी और जिप के ऊपर आए, और यहाँ से एकदम चिपक के हम सिलाई को शुरू करेंगे। तो देखिए जिप को थोड़ा सा खोल लेना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, एक उंगली से सिर्फ मैं इसको हल्का सा खोल रही हूँ ताकि सिलाई जो है वो चिपक के आए। और हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जिप कि जो लाइन है उस लाइन के ऊपर सिलाई ना जाए। अगर उस लाइन के ऊपर सिलाई जाती है तो वहां पर रनर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आगे पीछे नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो रनर है तो उसे हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेना है ताकि हम नीचे की तरफ सिलाई लगा सकें। तो इसे इस तरह से ऊपर ले और फिर यहां तक हमारी सिलाई आई थी, अब यहां से हम नीचे जाएंगे। पूरी नीचे तक हमने सिलाई लगा दी। अब हमारी दूसरी साइड, तो दूसरी साइड की ओर से मैंने इसको घुमा कर ले लिया है। दूसरी साइड की ओर भी हम पट्टी को बाहर निकालेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने पहले वाली साइड में किया था। अब यहां से मैं सिलाई को शुरू करूंगी। तो कुर्ती का कपड़ा पट्टी के नीचे बिल्कुल भी नहीं आना है। अब देखो यहां से जो रनर है इसे मैं नीचे की तरफ कर लूंगी क्योंकि अब हमें ऊपर जाना है, और सिलाई यहां तक आई थी तो यहां से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही सिंपल है जिप लगाना। हम खामखा एक दिमाग में ले बैठते हैं कि जिप लगाना है मुश्किल होगा,
लेकिन बिल्कुल भी नहीं, अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते हो तो जिप लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये जिप हमारी लग चुकी है, और ये पूरी लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक, तो देखिए जिप हमारी यहाँ पर लग चुकी है। कुर्ती के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं है, सिर्फ पट्टी और जिप के ऊपर है। अब ऊपर की तरफ हमारा गला लगने वाला है, तो सबसे पहले मैं सीधी साइड में लेके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जेब लग चुकी है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ हमारा गला आएगा, तो पहले मैं जेब लगा के आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए अब ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा की जेब है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ऊपर की तरफ हमारा गला लगेगा। अब ये कट करने के बाद जो रनर है वो ऊपर की तरफ मत खींचेगा, नहीं तो वो पूरा बाहर निकल जाए। जितनी सरल तरीके से हमने जीप लगाई है, उतनी ही कुशलता से हम गला भी जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्यूजिंग पेपर के ऊपर 1 इंच दूरी पर मैंने एक लाइन बनाई है। ये लाइन मैंने फोल्ड वाली साइड पे बनाई है। अब उस लाइन को टच करते हुए आगे की ओर मैंने गले की चौड़ाई रखी है 1.25 इंच। ये डीप नेक है, इसलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ गले की चौड़ाई कम रही। अब गले की लंबाई मैंने 9 इंच रखी है, और नीचे की तरफ गले की चौड़ाई हम बढ़ाकर रखते हैं, जैसे मैंने रखी है 1.25। अब यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ लाइन बनाकर राउंड नेक बना रही हूँ। आप यहाँ पर चाहे जो गले का शेप दे सकते हैं, बस आपको क्या करना है आगे की तरफ यानी फोल्ड वाली साइड की ओर 1 इंच बढ़ाकर रखना। अब मैं यहाँ पर बाहर की तरफ 1 इंच की दूरी पर आउटलाइन बना रही हूँ। अब इस गले का हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बाहर की साइड से कटिंग किया और फिर अंदर की साइड से। यहाँ पर मैं पिन लगाना भूल गई, लेकिन कटिंग करते टाइम आप पिन लगाकर ही कटिंग कीजिएगा। अब देखो गले का कटिंग हो चुका है। अब मैं इसको कपड़ा लूंगी और कपड़े के ऊपर रखूंगी। अब इसके ऊपर हम आयरन करके लेते हैं ताकि ये पूरी तरह से कपड़े के ऊपर चिपक जाए। चिपकने के बाद इसके नीचे के जो कॉर्नर्स है वो मैंने कट कर दिए, क्योंकि हमें इसे गोलाई में अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। तो बस मैं सिंपली अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। इससे हमारे गले का पैच रेडी हो जाएगा। अब ये पैच रेडी है। अब हम इसको सेंटर में फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार हम गले की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हम इस साइड से नापेंगे। ठीक, तो यहाँ से मैंने 1.25 इंच पकड़ा है एकदम बराबर से, और आगे की तरफ मार्किंग की। अब जो आगे की तरफ बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, और वहां पर मैंने सीधी लाइन बना दी। अब यहाँ पर पिन लगा कर लेंगे, और पिन लगाने के बाद इसे एकदम बीचों बीच कट कर देंगे। तो ये हमारे नेक के 2 हिस्से बन गए। अब इन दोनों पैटर्न को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ताकि जो लाइन का निशान है वो इस और भी बन जाए। तो यहाँ पर ये हल्का हल्का निशान बना है, उसे मैं डार्क कर दूंगी। दोनों ओर सेम डिस्टेंस पर लाइन के निशान बन गए। अब हम लेंगे कुर्ती का पैटर्न। तो यहाँ पर मैंने जिप को लगा कर लिया है, बस जिप को आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर लगाना है। ठीक, जहां पर आपका गले की लंबाई आती है उससे थोड़ा ऊपर लगाएंगे। अब मैं इसको सीधी साइड में लूंगी और इसके ऊपर मैं गले को रख दूंगी। अब देखो इस जो हमने एक्स्ट्रा का कपड़ा लिया है, मतलब एक्स्ट्रा लिया है वो आगे की तरफ जाएगा, और इस तरह से रखना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्यूजिंग पेपर के ऊपर वो बाहर की साइड में रहेगा, कुछ इस तरीके से। और एकदम बराबर से इसको सेट करते हुए मैंने यहाँ पर पिंस लगा कर लिए हैं। अब आप देख सकते हो पूरा 1 इंच का एक्स्ट्रा का हिस्सा बाहर की तरफ है। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी हम गले का वो आधा पैच लगा कर लेंगे। तो यहाँ पर भी जो लाइन बनी है उस लाइन को पूरी तरह से बाहर रखना है। पिन जरूर लगाना है, क्योंकि पिन लगाने से ये हिलेगा ना। अब यहाँ पर देखिए हमें जो ये गले का पैच है ये हमने 1-1 इंच बाहर रखा है। अब इस पट्टी को हम खोल देंगे। ठीक है, ये जो पट्टी है जिप वाली इसे बाहर की तरफ निकालेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर उसके ऊपर हमारा ये पैच रखना है, और यहाँ पर पिन लगाकर इसे भी फिक्स करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूजिंग पेपर के ऊपर फोल्ड वाली साइड में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया था। सेम तरीके से हमें इस और भी करना है। ठीक, तो इस और भी इस जिप वाली पट्टी को मैं बाहर की तरफ निकालूंगी।
तो देखिए, मैंने इस पट्टी को बाहर की तरफ निकाला, उसके ऊपर इस पैच को रख दिया और यहां पर भी मैं पिन लगाकर इसे सेट करूंगी। अब ये दोनों पैच, मतलब ये गला सिलने के लिए रेडी है। इसे ले जाएंगे मशीन के ऊपर। तो पहले आप देखिएगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखो, एक-एक करके हम इसको सिलेंगे। तो मैं ऊपर की साइड से शुरू करूंगी और यहां पर एकदम किनारे से सिलाई लगाऊंगी। तो यहां पर देखो, मैं फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं कपड़े के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन किनारे से। तो पूरा आगे तक हम इस सिलाई को लेके जाएंगे। तो अब हम लेंगे दूसरी साइड, और दूसरी साइड में भी मैं यहीं से शुरू करूंगी। यहां पर भी मैं एकदम किनारे से सिलाई लगा रही हूँ और मेरी सिलाई फ्यूजिंग पेपर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, एकदम किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। दोनों साइड में सिलाई लग चुकी है। अब देखो, ये पैच कुछ इस तरीके से रेडी है और इस तरीके से हमारी सिलाई लगी। अब इसका जो बीच का हिस्सा है वो हमें कट करके लेना है। उसके लिए सबसे पहले जो पिंस लगाए थे उसे मैंने निकाल दिए। अब देखो, सिलाई यहां से आई है तो यहां से कटिंग करेंगे, मतलब 1/4 इंच का मार्जिन आगे की तरफ छोड़ेंगे और फिर दोनों साइड से कटिंग करेंगे। तो बीच का हिस्सा मैं कट कर दूंगी। अब आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से निकल के आया है, इसे हम रख देंगे साइड में। सेम तरीके से ये वाला हिस्सा भी कटिंग करेंगे। अब हमेशा की तरह यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। बस यहाँ नीचे की तरफ गोलाई है तो वहीं पर मैं 3 से 4 कट्स लगा कर लूँ। कट्स लगाने के बाद अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगाई थी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक सिलाई लगाएंगे लेकिन खड़े में, इस तरीके से। सेम हमें यहाँ पर भी लगानी है खड़े में। अब ये सिलाई जो है वो इस जिप की लाइन के ऊपर ना जाए, यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर ये जिप की लाइन है और लाइन को छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं और क्लोज से दिखाती हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर धागे को लॉक करना मत भूलिएगा, आगे पीछे करके। सिलाई एकदम पक्की लगानी है। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके से लगी है। सेम तरीके से इस साइड में भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले धागे को लॉक करें और फिर नीचे की तरफ जाने के बाद भी धागे को लॉक करें, मतलब आगे पीछे करके धागा लॉक करते हैं। अब देखो, दोनों साइड से सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर भी मैं फिर से पास लेके दिखाऊंगी। तो देखिए, अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आड़े में कट लगाया एकदम 1/4 इंच का, और ऊपर से ये पूरा यहाँ से कट करते हैं, ठीक। सेम तरीके से इस साइड में भी हमें कट लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर भी मैं इस साइड से 1/4 इंच छोड़ना है और नीचे से 1/4 इंच मार्जिन छोड़ना है और फिर बीच का हिस्सा कट करेंगे। तो ये कट हो चुका है। अब ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पर एकदम छोटा सा कट लगाएंगे। सिलाई के ऊपर कट ना जाए इसका ध्यान रखें, सिलाई नहीं कट होनी चाहिए, बस आगे की तरफ का छोटा सा हम हिस्सा कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये कॉर्नर्स भी कट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे, ठीक। तो हमें देखो, कॉर्नर कट करने की वजह से ये अच्छे से पलट जाएगा। इस तरह से हम इसको पलट देंगे। अब आप देख सकते हो, सिलाई अंडरग्राउंड हो चुकी है और ये पूरा गला हम इसी तरह से पलट देंगे। इस और भी मैं पलट के दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको पलट देंगे, पूरा गला इसी तरह से पलट कर लेना है। अब मैं इसको उल्टी साइड में लूंगी और उल्टी साइड में मैं फिर से एक बार यहाँ पर क्लोज लेके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखो, गले का ये वाला, मतलब पट्टी वाला जो हिस्सा है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, इसका कोई काम नहीं। तो इसे सिर्फ और सिर्फ इसे ही कट करना है, ठीक। तो इसे मैंने कट कर दिया। अब जो जिप वाली पट्टी है उसे नहीं कट करना। तो यहां से हम तुरपाई, सिलाई जो भी करनी है कर देगा। अब इस साइड का भी ये वाला हिस्सा कट करते हैं।
सिर्फ जो गले की पट्टी का हिस्सा है वही कट करना। और कट करने के बाद इसे यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे अच्छे से, और यहाँ पर आप तुरपाई सिलाई जो भी करना चाहते हो वो कर दीजिएगा। अब देखो जो जेब है हमारी पूरी ऊपर तक लगेगी बिना डिस्टरबेंस, और यहाँ पर आप अपनी सिलाई लगा दो या फिर हाथ से तुरपाई कर दो। इस तरह से गला जोड़ने से हमारी जीप पूरी ऊपर तक लगेगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर बताना। वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।